3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं इसको लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, आइए दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब इंतजार है काउंटिंग का, यानी कि परिणामों का। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी रणनीति अभी भी तैयार कर रही हैं कि काउंटिंग वाले दिन जो परिणाम आएंगे उनको किस तरीके से डील करना है। और दोनों का दावा है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया हमारे साथ हैं। लंबा संघर्ष करा, चुनाव आपने भी लड़ा, और इसके साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में स्वाभिमान यात्रा की बात हो या फिर अलग अलग आंदोलन चलाने की बात हो, कैसा जनता का रिस्पॉन्स रहा इस दौरान? देखिए, ये चुनाव एक जबरदस्त हटकर चुनाव था, और ये चुनाव में जो जिस तरह से जनता कांग्रेस के साथ आई, क्योंकि उनको इतना भरोसा था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो पूरी ताकत से उनके लिए लड़ाई लड़ सकता है जमीन पर, जिसने लड़ाई लड़ी। क्योंकि पिछले 18 साल से आप देखें, हम लोग ने ऐसा कोई आंदोलन या फिर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हमने जमीन पर या रोड पर आकर, सड़कों पर आकर हमने लड़ाई नहीं लड़ी। यूथ कांग्रेस के माध्यम से सब आंदोलन बड़े बड़े करे, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर आंदोलन हो, चाहे किसी पर अत्याचार को लेकर आंदोलन हो, तो ये एक जो नई युवा शक्ति और जो नई युवाओं को रिप्रेजेंटेशन पार्टी में जो तवज्जो दी जा रही है, तो डेफिनेटली वो वोट में भी टर्न होगा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस बार भोपाल जिले के चुनाव परिणाम आने में देरी नहीं करना होगा, परिणाम के लिए इंतजार, दरअसल रात तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मतगणना जल्द खत्म होगी और तुरंत ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर काउंटिंग टेबल बढ़ाए जाने की बातें कही जा रही हैं, और टेबल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान, ज्यादा मतदान केंद्र होने के चलते परिणाम आने में देरी हो जाती है, रात हो जाती है, काउंटिंग टेबल बढ़ाकर जल्द से जल्द गिनती को पूरा किया जाएगा, मतगणना को पूरा किया जाएगा। फिलहाल काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स लगाई जा रही हैं और इन टेबल्स को बढ़ाया जा सकता है। टेबल बढ़ा करके काउंटिंग जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी, इसकी जानकारी अभी मिल रही है। ज्यादा मतदान केंद्रों की वजह से कई बार देरी हो जाती है, अधिकारियों का इस पर कहना है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक जानकारी मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब टेबल्स बढ़ा करके काउंटिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। खबर ग्वालियर से, जहां मतदान के बाद से ही प्रत्याशी मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं मध्यप्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी किस तरह इंतजार में वक्त काट रहे हैं। एक इंतजार है, और ये भी सही है कि इंतजार बड़ा कठिन भी होता है, लेकिन मैं तो पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ। समय मिलता है तो अपने साथियों के बीच में बैठ के सबसे मिलता जुलता हूँ। थोड़ा बहुत समय मिला तो बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, जो भी है प्रक्रिया अपनी चलती रहती है, लेकिन इंतजार तो इंतजार है। ईश्वर से, हाँ हाँ बिल्कुल, ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे और जनता जनार्दन की कृपा।